दिया जाएगा, तो उसी तहत क्या हुआ, हमने कार्रवाई करी क्योंकि बहुत सारे लड़के जो बेरोजगार हैं और उन्हें बहुत काबिलियत है, तो उनको ना नौकरी से निकाल दिया गया। यह महिला बाल आयोग का केस, जब उन्होंने मेरे को एक किस्सा समझाया तो मैंने कहा कि कैसे नौकरी लगती है, वो कहते हैं सर आप अप्लाई करो आपको भी मिल सकती है नौकरी। हमने अप्लाई करा, हमसे बोला 25,000 रुपये जमा कराओ, हमने बाय ये अपना क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन एक ट्रस्ट को पैसे दिए 25,000, और जिस दिन 25,000 रुपये दिए तो हमको चौकीदार की नौकरी मिली चंपावत बाल आयोग के ऑफिस में। अब अगर अजय कोठियाल जैसे आदमी को बाल आयोग में नौकरी मिल सकती है तो मैं ये कहता हूँ कि बाकी जो युवा फालतू बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं कंसिडर करा जाता। प्रॉब्लम यह है इनके पास बेचारों के पैसे नहीं है। जिस ट्रस्ट को पैसे हमने जमा कराए और जिस कंपनी ने हमको नौकरी दी है, मतलब आउटसोर्स जिसको कर रखा है बाल आयोग ने, उसका नाम है ए स्क्वायर का मालिक और ट्रस्ट का मालिक दोनों एक ही आदमी है। ये ऐसे केस बड़े ओपन है यहाँ पे। अगर केस ओपन है और उसके बाद भी अगर इस तरीके का चलेगा तो फिर गवर्नेंस तो टोटल फेल हो गई। मैं एक तो अपनी तरफ से मतलब इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मेरे को नौकरी दी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को दुख भी तो होता है कि इतने सारे मोटिवेटेड यूथ हैं यहाँ पे, इतने सारा यहाँ पे जोश मशीन है, इतने सारी जो एनर्जी है ना, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये बनने चाहिए कलाम साहब, दाऊद इब्राहिम नहीं बनने चाहिए। सरकार अगर ऐसे करेगी और एक्सेप्ट ही नहीं करेगी चीज़ को तो फिर तो या तो गड़बड़ी क्या सारी चीज़ें गड़बड़ी। वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जो ये पैसे भी जमा करा रहे हैं ये भी हमने मामला उठाया था, उन्हें वेतन भी नहीं मिलता है जो वेतन उसमें लिखा होता है, उसको क्या कहना है? देखो मेरे साथ में है यहाँ पे अभी वो लड़के खड़े हुए जिनका मैं असली में भविष्य में चौकीदार बनने वाला हूँ, तो ये रोजगार को वो करने के लिए यही बताएंगे अपना केस। ये तो सामने उदाहरण खड़ा हुआ है बिल्कुल, इसको बताओ कोई देख करके बोल सकता है कि इसके अंदर क्या कमी है जी? मोटिवेशन देखो इसका, इसके बात करने का तरीका देखो, इसके अंदर क्या एक्सपर्टीज ऐसी है जो इसके जो एक इंसान में जो जरूरत है वो नहीं है, और उसके बाद में इसको आउट कर दिया गया। ये अपना किस्सा खुद ही सुनिए। एक बार वो नियुक्ति पत्र अगर आपके पास है तो वो दिखा फाइल क्या है मेरी वो दिखा दीजिए।